स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। हिंदी में हम क से लेके अण तक ये लिखेंगे और रिवाइज करेंगे इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं क से। ठीक, पूरी लाइन में हम क ही लिखेंगे। मैंने एक लाइन खींची, फिर इसमें आधा सर्कल बनाया, फिर हाफ सर्कल, ये हो गया क से कबूतर या क से कमल। ये देखिए, ये एक लाइन खींचा, आधा सर्कल बनाया, हाफ सर्कल बना दिया, ये ऐसे किया। अब ख, ख से खरगोश, पर हम इसको टू जैसा बनाएंगे। ये देखिए, फिर इसी से एक लाइन ज्वाइन कर देंगे और फिर क में जो सर्कल हमने बनाया था ना, ऐसा ये सर्कल हम यहाँ बना देंगे। ये देखिए, ये आपको ना मिलाकर लिखना है, ये वाली लाइन इससे, है ना, ये अलग नहीं लिखना है ऐसे। ये देखिए, मिलाकर ऐसे कर देना है, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ख से खरगोश या ख से खत, ये देखिए ऐसे बनाना है, है ना, ये मिलाया है मैंने। आप लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे बना दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनाना है आपको, ये जो चीज़ है इसे ज्वाइन करनी है, है ना। ग से गमला, देखिए ये तो बहुत इजी है, ये बनाया मैंने उल्टा सिक्स, फिर लाइन खींच दी, ये बनाया ऐसे। ग से गमला, ग से गुलाब, दोनों होता है। अब घ से घर या घ से घड़ी, ये देखिए एक सी बनाया, दूसरा सी बनाया, उसे एक लाइन से जोड़ दिया, एक सी बनाया, दूसरा सी बनाया, लाइन से जोड़ दिया। ग से घर या ग से घड़ी। अब अड़खाली में आप लोगों को पहले छोटा सा ऐसी लाइन खींचनी है, फिर एस बना देना है ऐसे, और फिर एक बिंदी साइड में रखनी है। ओके, ये देखिए ऐसे। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये लाइन बनानी है, आप डायरेक्ट एस नहीं बना सकते हो। ये देखिए अड़खाली, ये तो बहुत इजी है, है ना। ये देखिए, ये ऐसे बनता है, आप ऐसे नहीं बना सकते हो, ये रॉन्ग है, आपको ये ऐसे ही बनाना है, ऐसे करके ऐसे, है ना। तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अण खाली। तो आपको ये टेस्ट में प्रिपेयर करना है ना। अब आपके टेस्ट आ रहे हैं तो आपको ये लर्न करना है, क्योंकि आपको उसमें लिखना है। ओके, थैंक यू।